ये तस्वीरें देखकर यकीनन आपकी रूह कांप जाएगी। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें रुड़की के एक निजी अस्पताल की हैं, जिसमें वार्ड कर्मी की हैवानियत सामने आई है। यहां अस्पताल के वार्ड बॉय ने आईसीयू में भर्ती एक 3 दिन के मासूम का पैर इसलिए तोड़ दिया क्योंकि वह लगातार रो रहा था। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि वार्ड बॉय उठकर बेड के पास जाता है और वह रोते हुए बच्चे को चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा लगातार रो रहा है। तभी उसने बड़ी बेरहमी से बच्चे का एक पैर पकड़कर खींचा और जोरदार झटका दिया, जिससे उसका पैर टूट गया। पैर टूटने के बाद बच्चा दर्द से बेतहाशा रोने लगा। रुड़की के इस अस्पताल में बच्चे को 28 जनवरी को चाइल्ड केयर यूनिट में भर्ती कराया गया था। बच्चे को सांस लेने में कुछ शिकायत हो रही थी। जनवरी को वहां से रेफर कर दिया था बच्चों के अस्पताल एरन हॉस्पिटल रुड़की में, तो वहां पे 28 जनवरी को रात सुबह को 8:45 पे उस बच्चे का पूर्ण क्रूरता के साथ पैर तोड़ दिया गया। और डॉक्टर से बात करने के बाद डॉक्टर ने बोला कि जो आपसे होता वो कर लेना। पुलिस को शिकायत की थी, पुलिस बस कह रहे कार्रवाई करें। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि अस्पताल का कर्मचारी उस कमरे में आराम कर रहा था जहां बच्चे को निगरानी के लिए रखा गया था। जब बच्चा रोने लगा तो अस्पताल का वार्ड बॉय उठकर उसके पास गया और बड़ी बेरहमी से उसने उसके पैर को झटका दिया। पीड़ित पिता ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज की। पुलिस ने मामले की जांच के दौरान जब सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो सारा सच बाहर आ गया। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी वार्ड बॉय बच्चे का पैर तोड़ते हुए साफ नजर आ रहा था। देखो के साथ अटेंडेंट के द्वारा मैन हैंडलिंग जैसे प्रॉपर हैंडलिंग ना करने का एक मामला सामने आया है, जिसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है 338 आईपीसी के तहत, और वीडियो फुटेज उनके द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। उस वीडियो फुटेज के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में आई है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब बच्चे को देहरादून के अस्पताल में ले जाया गया और वहां डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे के एक पैर में फ्रैक्चर है। मामला सामने आते ही पुलिस ने वार्ड बॉय को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रुड़की उत्तराखंड से न्यूज इंडिया चैनल 1 की रिपोर्ट।